हाय, मैं हूँ मुकेश। और आपका चल रहा है अभी मॉडिफायर मॉडिफायर्स। मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ और इसके सेगमेंट बढ़ा लेता हूँ। फिलहाल सेगमेंट देखने के लिए F4 दबाया जाता है, जिससे कि इसके इसमें कितने सेगमेंट है। अभी इस समय चारों तरफ इसके सेगमेंट है, एक एक सेगमेंट है। मैं सेगमेंट इसमें बढ़ाता हूँ। मैं पहले कलर डार्क कर लेता हूँ ताकि सेगमेंट दिखाई दे। और ये सेगमेंट मैंने इसमें ये बढ़ाए लेंथ में और विड्थ में ये बढ़ाए हैं, कुछ 40 कर लेता हूँ मैं। 40 लेंथ के भी 40 ही कर लेता हूँ और हाइट के थोड़े से 2 4 10, बस इतना ही। और अगला मॉडिफायर है ये बैंड, बैंड मॉडिफायर है। किसी भी ऑब्जेक्ट को बैंड करना हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले हम देखेंगे ये ऐसा इस तरीके से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक्सिस की वजह से हो रहा है, गलत एक्सिस सिलेक्टेड है। मैं वाई करता हूँ तो ये इस तरीके से बेंड हो रहा है, ये भी गलत है। मैं एक्स कर देता हूँ तो एक्स में बिल्कुल सही एक बेंड हो रहा है, बराबर है। इस तरीके से बेंड किया जा सकता है। और डायरेक्शन अगर चेंज करना है तो इस तरीके से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से। और बैंड के बाद में, बैंड में ये इसके बाद में फिर लिमिट इफेक्ट आता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट को मैं करता हूँ तो ये अपर लिमिट एक पॉइंट जो प्योर पॉइंट है इसका, वहाँ पर रहता। मैं गिज़मो को सिलेक्ट करता हूँ इधर से और गिज़मो को मूव करता हूँ तो देखिए यहाँ से ये बेंड हो रहा है और यहाँ से एक ही पॉइंट है इसका जहाँ से ये बेंड हो रहा है। अब एक ही ऑब्जेक्ट से कुछ एक्स्ट्रा बना सकते हैं। और लोअर लिमिट में ये होता है, इसको थोड़ा सा बेंड, पूरे को बेंड कर देगा ये, तो इस तरीके से ये बेंड काम करता है। और लेंथ ये लिमिट इफेक्ट हटा देता हूँ, ये नॉर्मल हो जाता है और ये बेंड इस प्रकार से काम करता है। और अभी दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं, किसी भी सॉरी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इस बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं पहले स्केल कर लेता हूँ। स्केल में जेड एक्सिस में करना चाहता हूँ तो ये लंबा हो रहा है, ये इस तरीके से, ये केवल जेड एक्सिस पे मैंने इसको स्केल किया है। किसी भी एक्सिस पे स्केल करेंगे उसी एक्सिस पे ये भी स्केल होगा। अब मैं इसमें बैंड अप्लाई करता हूँ, ये देखिए इस तरीके से ये बैंड काम कर रहा है। और वाई करता हूँ, एक्स करता हूँ तो ये देखिए हर एक्सिस पर ये बैंड हो रहा है। और लिमिट इफेक्ट तो अभी बता ही दिया है आपको, तो ये था बैंड। और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और मुझे भी कुछ भेजिए, मैं अपना ईमेल आईडी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मुझे मेल करते रहिए, आप जो जो सीख रहे हैं, जो जो नया कुछ करते हैं तो आप भेजिए मेरे पास। और सेम ना रहे, ऐसा नहीं है कि मैंने जो आपको भेज दिया है, आपको जो सिखा दिया है, आप मुझे वो ही बनाकर सेंड कर दें, ऐसा नहीं है। आप नई चीज़ बनाकर भेजिए मुझे, मुझे लगेगा कि अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे साथ आप भी मेहनत कर रहे हैं। तो ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।